यहाँ पे जो मैंने आपको फाउंडेशन और ड्रॉप्स के बारे में पहले वीडियो में बताया था उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने आई हूँ यहाँ पे। अब क्या होता है, आपको कुछ एक पर्टिकुलर फाउंडेशन, अगर आपको लगता है चलो मैंने ड्रॉप्स ले लिया और मैंने ये फिटमी के फाउंडेशन में मिक्स कर लिया तो मेरा मेकअप वाटरप्रूफ हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। इस वजह से कभी मेकअप वाटरप्रूफ नहीं होता है, वो फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये जैसे लिक्विड फाउंडेशन है, ओके, तो लिक्विड फाउंडेशन में कभी मेकअप वाटरप्रूफ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है माय मेकअप स्टोरी का फाउंडेशन। अभी जिन्होंने ये ब्रांड यूज किया है उनको पता होगा कि माय मेकअप स्टोरी बहुत ही थिक बेस फाउंडेशन है, जैसे हुडा के फाउंडेशन आते हैं उस तरह का एक फाउंडेशन है। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ऑयल फ्री फॉर्मूला, उसके पैकेजिंग में ही लिखा है इट्स अ ऑयल फ्री फॉर्मूला। तो यहाँ पे तभी जब हम पैलेट में डालते हैं ना, ये फाउंडेशन ऐसे लीक नहीं होता है, ठीक है, ये उधर का उधर ही पड़ा रहता है। और जैसे ही आप मैक का, एस्टेल ऑर्डर का, फिटमी का, इन सब का फाउंडेशन डालो, वो पैलेट से ऐसे ड्रिप होगा। इसका मतलब क्या है, वो चीज वाटरप्रूफ नहीं है। ये अगर आप वो ड्रॉप्स भी नहीं डालोगे ना तो भी ये फाउंडेशन वाटरप्रूफ का काम करेगा क्या, वाटर रेजिस्टेंट का काम करेगा ही करेगा, ओके। सो ड्रॉप्स एक एडेड एडवांटेज हो जाते हैं उनके लिए जो वाटरप्रूफिंग ड्रॉप्स आते हैं, अदरवाइज ये फाउंडेशन इट्सेल्फ इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट फाउंडेशन। ओके, थैंक यू।